फिक्स मेन डोर इफ आरसीसी कॉलम कास्टेड। काफी क्या हाल होता है कि जो कॉलम है कास्टिंग कर दिया जाता है, कॉलम आपके जो घर बना रहे हैं मेन गेट आपको लगाना है, कॉलम क्या होता है कि कास्टिंग कर देते हैं, उसके बाद प्रिलिमिनरी कास्टिंग हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि कॉलम को तोड़ के, कॉलम को यहाँ से तोड़ दिया जाता है, ये बीम को भी तोड़ दिया जाता है यहाँ पे, फिर उसके बाद ये आपके होल्ड फास्ट जो इसको चूल बोलते हैं, ये आपके होल्ड फास्ट ये लगाते हैं। ये आपका गलत है, क्योंकि गलत क्यों है, क्योंकि कंक्रीट है कॉलम को जो स्ट्रेंथ है, कॉलम क्या है कंप्रेसिव मेंबर है, और बीम क्या है टेंशन मेंबर है। बीम के ऊपर लोड आने पे क्या होता है, बीम ऐसे फैल होती है, जबकि कॉलम आने पे इस तरह से लोड आने पे कॉलम इस तरह से फैल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंप्रेसिव, कंप्रेसिव का मतलब ऐसे दब रहा है। तो इस वजह से कॉलम को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा जो कॉलम है मेन जो गेट है उसको हमें जो लगाते टाइम पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करें, तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि कॉलम कास्टिंग हो चुकी है, बीम भी कास्टिंग हो चुकी है, तो अब हम जो मेन डोर है उसको कैसे फिक्स करेंगे। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपका जो फ्लोरिंग होता है बीम है, तो बीम कास्टिंग होने के बाद आपको जो पहले ये फिक्स रख लेना है कि मेन डोर की जो विड्थ है क्या रखनी है आपको, उसके बाद आपकी हाइट है ये क्या रखना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम आपको 8 फीट रख लेता हूँ, 8 फीट या फिर 7 फीट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जैसे कि 8 फीट रखा है, तो 8 फीट रखने के बाद आपका ये 1 इंची तो यहाँ पे मिनिमम लेस हो जाएगा, ठीक है, 1 इंची। उसके बाद आपका जो चूल होता है, आपका जो मेन डोर होता है, डोर के बाद ये आपका डोर होता है, डोर के बाद 1 इंची आपका जो 1 इंची होता है, 1 इंची कम से कम ये आपका वेल्ड होता है, इसको चूल बोलते हैं। उसके बाद आपका ये होल्ड पास पे वेल्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये टर्न करता है, ये इस तरह से रन करता है, इस तरह से ये आपका जो बोल्ट होता है इसके अंदर फिक्स हो जाता है, तो ये आपका इसमें रन करता है। ये वाला जो बीच में होता है ये आपका वेल्डिंग हो जाता है, जो टॉप है ये बॉटम होता है ये आपका रन करता है, मतलब मूव करता है आपका जो गेट के साथ में। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जब भी आप गेट लगाइए वेल्डिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपको स्पेस छोड़ दीजिए। काफ़ी होता है कि गेट आप पहले नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको जो घर है आपका मकान है आपको उसमें कास्टिंग है, कॉलम है, काफ़ी वर्क चलता रहता है, टाइल मार्बल फ्लोरिंग पीसीसी प्लास्टर काफ़ी काम होता है वो चलते रहता है, इसलिए मेन डैन आप बंद नहीं रह सकते या फिर उसको खोल के रख नहीं सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उसको, पहले हम इसको बता देते हैं। अगर आपका आरसीसी कॉलम कास्टिंग हो चुका है, तो उस कंडीशन में सिंपल आपको क्या करना है, जो टाइल है वो लग जाने के बाद, टाइल फ्लोर टाइल लग जाएगी इसमें, मार्बल लग जाएगा, तो उसके बाद आपको जो ये प्लेट आती है इस तरह की, स्टील की प्लेट आती है, स्टील की इस तरह से, स्टील की प्लेट आने के बाद उस पर आपका जो चूल है, यह जो चूल है ये आपका प्लेट पर वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। वेल्ड हो जाने के बाद 4 होल आपको सिंपल चेक करने हैं, 4 होल करने के बाद ये आपके फासनर आएगा, एंकर बोल्ट जिसको बोलते हैं, तो ये एंकर बोल्ट या फिर फासनर, तो आपके जो आरसीसी कॉलम में ड्रिल करके जहाँ पे जो पोजीशन आपकी आएगी गेट फिक्स करने में, और नीचे अगर आपका आरसीसी प्लिन बीम कास्टिंग हो चुका है, तो ये मार्जिन आपको देख लेना कि कितनी हाइट पर आना है, तो इस पैसे आपको फ्लोरिंग कर दीजिए कितनी हाइट पर आ रहा है। तो फ्लोरिंग करने के बाद ये टाइल आपको, जो ये टाइल है वो भी आपको हटा देना है यहाँ से। टाइल हटाने के बाद आपको ये प्लेट, यहाँ पे भी एक प्लेट ऐसे लेना है, तो एक प्लेट यहाँ लेने के बाद नीचे क्या होता है, नीचे होता है चूल आपका, यहाँ पे उसना है फासनर, ठीक है। तो इस तरह का ये एक चूल आ जाएगा नीचे, तो इसके ऊपर जो गेट आएगा आपका, जो मेन डोर आएगा, इस तरह से ये डोर आएगा, इस डोर के नीचे भी एक ऐसे चूल होता है, इस कॉर्नर पर फिक्स हो जाता है, ये वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर फिक्स हो जाता है। तो इस पर जो चूल होता है ये वाला चूल होता है, और ये आपका डोर के ऊपर होता है, ठीक है, ये आपका डोर, ये आपका डोर के ऊपर होता है। तो इसके ऊपर जो ये है यहाँ पे, ये वाला जो फिक्स होता है ये अंदर चल जाता है, ठीक है, इस तरह से ये, और ये आपका जो फासनर है, ये आपका फासनर लग जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपको ड्रिल के इसके अंदर भी आपको फासनर लगाना है, और ये आपको उसके बाद जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर आपकी टाइल आ जाएगी, ठीक है, मार्जिन या पेस्ट, सीमेंट पेस्ट लगा के अच्छे से टाइल आ जाएगी, या फिर इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो, ये वाला जो स्पेस है ये टाइल जो जो लेवल है ये आपके टाइल के लेवल में आ जाएगा, इसको आप छोड़ भी सकते हो, या फिर इसके ऊपर टाइल लगाना चाहते हो टाइल लगा सकते हो, ठीक है, अच्छे से प्रॉपरली जो आपकी टाइल आ जाएगी। इस तरह से आपको ये डोर फिक्स करना है। यहाँ पे भी आपका जो बीम है वो तोड़नी नहीं पड़ी है, यहाँ पे सिंपल आपका होल करके, ये फासनर करके होल करके लगा दिए जाते हैं, या फिर सिंपल जो ये चूल होता है, सिंपल ये वाला चूल है, तो इसकी इतनी जगह आपको ड्रिल करना है, ये वाला होल है आपको जो बीम के अंदर, इतनी जो चौड़ाई होती है मतलब लगभग 1 इंच होता है इसका, 1 इंच स्क्वायर में, 1 इंच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसकी लगभग इतना ही होल कर देना है, थोड़ा यहाँ पे हल्का सा इतना ही होल करना है, थोड़ा वाइड कर दीजिए,
दो इंची आप वाइड कर सकते हो, तो दो इंची वाइड होल करके इसमें यहाँ पे आपको क्या करना होगा, GP2 सीमेंट होता है, GP2 सीमेंट डाल सकते हो, या फिर सीमेंट और बजरपुर का थोड़ा हैवी सीमेंट में लेकर घोल उसमें डाल सकते हो, अब अच्छे से वहाँ पर क्यूरिंग कर सकते हो रोड़ी के साथ, जो 10 mm की रोड़ी होती है वो आप कंक्रीट कर सकते हो। सबसे बेस्ट रहता है कि आपका ये प्लेट आपको हो जाएगा और साइड में ये प्लेट हो जाएगा स्टील वाला, ठीक है, क्योंकि स्टील का गेट होता है, तो ये स्टील आपका बेस्ट रहेगा, आपका जो आयरन है उसमें जंग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट लेकिन स्टील है प्रॉपरली अच्छा वेल्ड हो जाता है। यहाँ पर भी आपका स्टील हो जाएगा, तो स्टील यहाँ पर भी आपका स्टील लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फास्टनर है, आपका ये स्टील में आपका ये फास्टनर ऐसे लग जाएगा, आपका जो फास्टनर है होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट है, फास्टनर आपके यहाँ पर लग जाएंगे और होल्ड फास्ट यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फिक्स आप कर सकते हो, तो ये फिक्स आप लास्ट में कर सकते हो या फिर बीच में कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप गेट को फिक्स करते हो अगर आपने कॉलम कास्टिंग या फिर बीम कास्टिंग कर दिया है तो। सबसे बेस्ट रहता है आपका ये स्टील वाला, स्टील होल्ड फास्ट लगाने के बाद आपका मेन डोर की जो गैप है वो आपका बाद में करके यहाँ पे साइज ले जाएगा कि आपका जो एंट्रेंस का साइज है वो कितना बचता है, उसके बाद आपका जो स्टील वाला है उस आपको गेट का मेन गेट का साइज बना देगा कि यहाँ पे आपका जो होल यहाँ पे जो गैप है वो ले लेगा कम से कम 1 इंची, 1 इंची का आपका ये होल पास हो जाएगा चूल, जिसको ये वाला का चूल, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम 2 इंची यहाँ पे आ जाएगा गैप, तो 2 इंची आपका इधर से ही गैप आ जाएगा अलग से। इसमें आप यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा गैप हो जाता है तो अलग से इतनी जगह छोड़ के, तो यहाँ पे 1 इंची की मिनिमम लगभग 1 इंची की सुफिशेंट है, 1 से 1.5 2 इंची की अलग से वेल्ड करा सकते हो पत्ती, अलग से पत्ती वेल्ड करा सकते हो, ताकि आपका जो गैप है होल है जो स्पेस है वो दिखाई नहीं देगा और आसानी से मूव भी कर लेगा आपका, बिल्कुल सीधा आप खोलोगे तो वो आपका टक्कर में नहीं लगेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है इसकी थिकनेस पर कि आपके जो गेट की थिकनेस है वो कितनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।